बचा दो भैया मेरा छोटा बच्चा भैया। रोजाना आ रही दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, अस्पताल पहुंचकर भी बिना इलाज के मारे जा रहे हैं मरीज, जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि अस्पतालों में खाली पड़े हैं बेड। प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह कर रहे हैं मरीजों की मनमानी लूट। ऐसे में कोरोना हो जाए तो कहां जाएं और कैसे खुद को बचाएं? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की हैं। यहाँ अस्पतालों के दरवाजे तक पहुंचकर मरीजों के परिवार वाले सिर्फ इतनी गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि कोरोना के मरीजों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव हो रहा है। ऐसे में सॉलिड बात में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या करें सरकारें और क्या करें हम और आप। सिस्टम में सुधार के लिए जो जरूरी बातें हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इमरजेंसी के इस माहौल में हमें और आपको जो जान लेना चाहिए वो बातें। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही हमें सीधे हॉस्पिटल का रुख नहीं कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत भी है तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाने से कई समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले हमें यह चेक कर लेना होगा कि जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वो कोरोना के इलाज के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं। दूसरी बात कि वहां बेड अवेलेबल है या नहीं। तीसरी जरूरी बात कि सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं एडमिशन के लिए उसके मुताबिक हमारी स्थिति एडमिट करने लायक है या नहीं। जिन मरीजों को बहुत ज्यादा समस्या नहीं है उनके घर पर ही इलाज करने के लिए सरकार ने प्रोटोकॉल तो तय कर दिया है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि यह बहुत आसान नहीं है। इस दौरान कई चुनौतियां आपके सामने आएंगी। सबसे पहला तो ये कि मरीज का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, परिवार के दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसका ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, मरीज के जल्दी स्वस्थ होने के लिए आपको कई कदम उठाने पड़ेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात यह कि आपको अपने आस पड़ोस और मोहल्ले वालों को भी संवेदनशील बनाना होगा। ये मत भूलिए कि हमारे ही देश में कई ऐसे मामले हुए हैं जहां अस्पताल में इलाज करके लौट रहे लोगों को, डॉक्टरों को, उनके पड़ोस वालों ने परेशान किया है। मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट भी कम नहीं हो रही। कुछ हॉस्पिटल्स ही इसका इलाज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो पर डे सिर्फ बेड चार्ज 25,000 से 80,000 रुपए तक का ले रहे हैं। कई मरीजों को इलाज के लिए एडमिट करने से पहले ही 5 से 10 लाख रुपए की मोटी रकम जमा कर देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में कई जगहों पर लोग अपने घरों में ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस का भी इलाज करने का इंतजाम शुरू कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मेडिकल होम केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसियों के अलावा कई बड़े हॉस्पिटल्स भी ऐसे बंदोबस्त घरों पर करना शुरू कर चुके हैं। लोगों ने भी अपार्टमेंट में या सोसाइटीज में आपस में मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और यहां तक कि वेंटिलेटर का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप लोग भी अगर अपनी कम्युनिटी के लेवल पर, जो कम्युनिटी हॉल हों या धर्मशालाएं हों, इनमें ऐसी व्यवस्थाएं जहां तक हो सके प्रशासन के साथ मिलकर अभी से करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये इंतजाम करते समय 5 बातों का गंभीरता से ध्यान रखें। सबसे पहला, ये पूरा सेटअप किसी प्रोफेशनल एजेंसी या डॉक्टर की देखभाल में ही लगाएं। दूसरी बात कि पूरे इलाज के दौरान मेडिकल एडवाइस के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर लगातार फोन या टेलीमेडिसिन के जरिए उपलब्ध होने चाहिए। तीसरी बात, स्थिति थोड़ी भी बिगड़ने पर तुरंत कोविड हॉस्पिटल लेकर जाएं और उनसे लगातार संपर्क में बने रहें। चौथी बात कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को देते रहें। पांचवी और गंभीर बात यह है कि अगर कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र का बुजुर्ग हो या फिर उसे पहले से कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किडनी या लंग से संबंधित कोई गंभीर बीमारी, तो उसका इलाज जहाँ तक संभव हो अस्पताल में ही करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सबसे बड़ी समस्या जो बेहद कॉमन है वो है ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। इसीलिए मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लगातार ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और ये काम पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए हो सकता है। इस दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और वो सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं, जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है वो भी ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है कि उपयुक्त आहार लें और साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। दूसरी बात है कि सिगरेट, शराब या फिर तंबाकू के जो दूसरे उत्पाद हैं उनका सेवन न करें।
6-8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, योग ध्यान प्राणायाम करें, साथ ही पानी का इतनी मात्रा में सेवन करें कि हाइड्रेट होते रहें, पानी की शरीर में कमी ना हो। साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि अपना आत्मबल बनाए रखें। कैंसर जैसी बीमारियों से भी लोगों ने इस आत्मबल के दम पर ही जीत हासिल की है। ये बेहद ज़रूरी है कि पूरे सिस्टम में ये क्लैरिटी हो कि किन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है और किन को नहीं। ऐसा ना हो कि अस्पताल के दरवाजे पर मरीज पहुँच कर वहीं दम तोड़ दे। साथ ही हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही लूट को भी अंकुश में लाने की ज़रूरत है। ये भी देखना होगा कि मेडिक्लेम के बावजूद लोगों को इलाज से वंचित न होना पड़े। ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल रिलायबल हो ये भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सरकारें एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन अवेलेबल कराएं, साथ ही जब भी ज़रूरत हो मेडिकल एडवाइस घर बैठे मिल सके ये सुनिश्चित करें। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है उन्हें मास्क या डिस्पोजेबल बर्तन आदि एक किट के तौर पर घर पर ही उपलब्ध कराए जाएं। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाए और जिन्हें मदद की ज़रूरत हो उन्हें ये वॉलंटियर्स अवेलेबल कराए जाएं। इसी तरह घर पे जो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले एजेंसीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल तय किए जाएं। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके कीमत तय की जाए और साथ ही बाजार में ये उपलब्ध हों ये भी सुनिश्चित किया जाए। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है।